देश जो चलता है वो 56 इंच के सीने से नहीं और जबान की लंबाई से नहीं चलती है, वो दिल की सफाई से चलती है सरकार और देश। कि ये विपक्ष में आए, क्योंकि विपक्ष जिस हिसाब से काम करना चाहिए आज ये 9 सालों में नहीं दिखा। और अगर विपक्ष, अगर मैं मानूं कि कोई अगर विपक्ष का भूमिका सही निभाता है वो भाजपा है, वो तो मतलब अंधभक्त कहता हूँ मैं उन्हें। हाँ, वो देखिए चंद अंधभक्तों से हम जनता को कंपेयर नहीं किया जा सकता। बदनाम करने की कोशिश, मीडिया है कहाँ? हाँ। मैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं मीडिया को ढूंढने निकला हूँ। ना ना, ये लोग जो है ना, जो फ्री वाली बात करते हैं, मैं इस पर समर्थन नहीं करता। ये लोग हमें ना बेवकूफ़ बनाते हैं। हमें तुम 5 किलो अनाज फ्री देते हो, कोई बोलता है हम 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं। अबे तुम हमें रोजगार दो ना, 9 साल बेमिसाल, तो 9 साल में 18 करोड़ रोजगार कहाँ है? तुम हमको बेरोजगार बनाकर बेमिसाल बता रहे हो हमें। हाँ, हमें भूखमरी पर वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 107वें रैंक पर ला करके इसका जश्न मना रहे हो। आज इन 9 सालों में हम जनता जितना अपमान झेले हैं, ठीक है ना, इस अपमान का बदला जो है 2024 में, मैं बार बार कह रहा हूँ, इससे देंगे हम। नमस्कार, मैं शिखा जनित आवाज में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ एक बार और कलीम शेख जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आजकल जो भी तमाम मुद्दे हो रहे हैं, जैसे कि हरियाणा में जो है वहाँ के किसानों पे लाठी चार्ज किया गया प्रशासन के द्वारा, और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो अभी मीडिया को किस तरीके से स्मृति ईरानी ने कहा है, वो कितना अपने जनता का, अपने लोगों का ख्याल रखती हैं। उन्होंने कहा है कि जब मीडिया ने सवाल उनसे पूछा तो उन्होंने कहा है कि आप मेरी जनता का क्या कर रहे हैं, विरोध हैं, अपमान कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या सोच रहे हैं? इतनी होनहार हमारी मंत्री हैं और उसको लेके लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। नहीं नहीं, वो अभी उन्हें ये नहीं पता है कि आज इन 9 सालों में हम जनता जितना अपमान झेले हैं, ठीक है ना, इस अपमान का बदला जो है 2024 में, मैं बार बार कह रहा हूँ, इससे देंगे हम। नहीं तो उन्होंने, उनसे जब सवाल पूछा गया तो वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं मीडिया को कि मीडिया बदनाम करने की कोशिश? मीडिया है कहाँ? हाँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं मीडिया को ढूंढने निकला हूँ। आप बोल रहे मीडिया नहीं है, वो कह रही है कि आपके आपके उसको धमका रही है मीडिया वाले को, क्या जो तुम्हारे जो है ऑनर को फोन करूंगी? वही तो बात कह रहा हूँ, मीडिया ढूंढ रहा हूँ। क्योंकि देखिए, अगर मैंने वो वीडियोस पूरा देखा तो उसमें ये कह रहा है पत्रकार कि 2 शब्द अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलिए, तो इसमें जनता का अपमान क्या हुआ? वही तो पत्रकार जनता का ही सवाल पूछ रहा है ना। तो आप बोल रहे हैं जनता का अपमान, मतलब जनता का अपमान आपने किया है, उस पर पर्दा डालने की साजिश कर रही हैं और पत्रकारों को डरा करके। अगर पत्रकार इस तरह से अगर डरे हुए मिलेंगे, पत्रकार इस तरह से अगर ये करेंगे, मतलब डरेंगे, डराया जाएगा, नौकरी से निकालने की धमकी दी जाएगी, तो फिर जनता का मुद्दा तो फिर गटर में सांस लेगा ना। आसपास के जो भी लोग जनता थे तो उन्होंने कहा स्मृति ईरानी जय हो, स्मृति ईरानी जय हो, तो वो कौन जनता है जो स्मृति ईरानी को बहुत अच्छा मान रही है और उनके जयकारे लगा रही है? नहीं नहीं, वो तो मतलब अंधभक्त कहता हूँ मैं उन्हें। हाँ, वो देखिए चंद अंधभक्तों से हम जनता को कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन स्मृति ईरानी वही महिला है, जब कुछ भी पेट्रोल महंगा होता था या फिर सिलेंडर महंगा होता था तो वो रास्ते पे आती थी, और आज वो मैं देखिए, हम भी यही चाह रहे हैं, जो आपके सवाल है ये सवाल का जवाब आपको 24 में मिलेगा। 24 के बाद जो है स्मृति ईरानी फिर सिलेंडर लेकर बैठेंगी सड़क पर, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये विपक्ष में आए। क्योंकि विपक्ष जिस हिसाब से काम करना चाहिए आज ये 9 सालों में नहीं दिखा। और अगर विपक्ष, अगर मैं मानूं कि कोई अगर विपक्ष का भूमिका सही निभाता है वो भाजपा है, तो हम फिर चाहते हैं ये विपक्ष में आए। हाँ, तो आपने विपक्ष की भूमिका के बारे में तो बता दिया, अब जो सत्ता में रहे, जो पक्ष में रहे, वो कौन होना चाहिए कलीम शेख के अनुसार? जनता, जनता की सरकार। कोई एक तो चेहरा होगा आपकी नज़र में? चेहरा मैं तो चेहरा चाहता हूँ आप हो जाए। अच्छा, तो मैं प्रधानमंत्री हो जाऊँ? क्यों, आप इस देश की नागरिक नहीं है? नहीं ठीक है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए संवैधानिक योग्यता क्या होनी चाहिए? वो नहीं है आप में।
हाँ, पढ़ा लिखा होना चाहिए आप में, है ना। 56 इंच का सीना भी तो चाहिए। 56 इंच का सीना इस देश के हमारा है, 112 इंच का सीना है। जो सवाल पूछ रहे निरर, हाँ 56 इंच का सीना का क्या होता है जी, क्या होता है सीने से? अगर 56 इंच के सीने से देखिए ना, देश जो चलता है वो 56 इंच के सीने से नहीं और जवान की लंबाई से नहीं चलती है, वो दिल की सफाई से चलती है सरकार और देश। तो जो इनके दिल में सफाई नहीं है, गंदगी भरा हुआ है। अभी विपक्ष जो है, कांग्रेस और जो भी तमाम जो है, सब एकजुट होने की बात कर रहे हैं, और उसके बाद हो सकता है केजरीवाल या फिर कांग्रेस आए, तो उस पे नहीं, मैं मानता नहीं हूँ कि विपक्ष जो है मुर्दा है। मैं बार बार कह रहा हूँ विपक्ष मुर्दा है, विपक्ष मुर्दा है, मुर्दा है। उसको क्या ऐसा करना चाहिए? देखिए, जिंदा विपक्ष वो होता है कि जब सत्ता बिगड़ती है, निरंकुश होती है, जैसे एक हाथी निरंकुश होता है तो उसको संभालता कौन है? ऊंट कान पकड़ के खींचता है। तो वो भूमिका जो है लोकतंत्र में विपक्ष का होता है, और विपक्ष का जो नेता होता है उसकी वैल्यू प्रधानमंत्री से कम नहीं होती है इस लोकतंत्र में। लेकिन कहीं भी कोई दिखा क्या, आप बताइए? नहीं, एक मैंने एक इंटरव्यू देखा है स्मृति ईरानी का, जिसमें उन्होंने बहुत, एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि जब मनमोहन सिंह के टाइम में जब आर्मी का, हमारे देश के सैनिक का सर काटा गया था, तो आपने मनमोहन सिंह को छुरी भेजी, और आज जब आपकी सरकार, लेकिन आपने, आप मीडिया ने उस खबर को दबा दिया। उस सर काटने के बाद ऑपरेशन जिंजर जीव चलाया गया था, जिसमें हमारे सैनिक ने उनका सर काट के लाया था, और ये सरकार जो पाकिस्तान की सरकार थी वो जाकर यूएनओ में चिल्लाई थी कि मेरा सर काट के ले गए हम हमारे देश के जवान। अच्छा। तो हमारे प्रधानमंत्री ने वहाँ, हमारे सरकार ने वहाँ बोल दिया था हमने काटा ही नहीं। कौन, मतलब हमारे जो मोदी जी हैं? हम 2011 में, ना हमारी पहले अच्छा, की सरकार ऑपरेशन जिंजर जो चली थी उसमें, तो ऐसा तो नहीं है। सही पक्ष दिखाया ही नहीं क्या कि हमने भी? गूगल पे पढ़िए ना ऑपरेशन जिंजर के बारे में। अच्छा। तो मनमोहन सिंह की सरकार चलाई थी, मनमोहन सिंह की सरकार जिंजर ऑपरेशन चलाई थी, जिसमें कि उनका भी सर काटा गया, जिसको मीडिया में नहीं दिखाया गया। अब ये मुझे नहीं मालूम दिखाया गया कि नहीं, पर हुआ था इस तरह का ऑपरेशन जिंजर चला था। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल कि लोग कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, आपको ऐसा लगता है? नहीं मानता हूँ, जो ये कहते हैं ना उनके दिमाग में गड़बड़ी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं, आप चौराहे पर जाइए, 10 लोगों को पकड़िए, 10 में से 4 जो है मोदी समर्थक मिलेंगे। तो 40% वोट शेयर जो ले रहा है वो सरकार ना बनाएगा, तो फिर ईवीएम कहाँ टेम्पर हो रहा है? नहीं, कांग्रेस ने ही, आपको जैसा मालूम हो कांग्रेस ने ईवीएम लाया, एक ईवीएम एक बड़ा मुद्दा बन गया है। वामन मिश्रा मानता है ईवीएम कोई मुद्दा है, क्योंकि अब तो वीवीपैट मशीन से भी जुड़ा है, तो हम जिसे वोट देते हैं तो दिखता भी हमने किसको वोट दिया पर्ची में, तो ये मैं नहीं मानता। ये आप नहीं मानते, तो इन्होंने ईवीएम के मुद्दे को, तो वामन मिश्राम को आप जानते हैं? वामन मिश्राम, देखिए ये लोकतंत्र है, जो भी जिनका जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं उसमें हम सब जानते। तो चुनाव आयोग के बारे में आप क्या, चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग तो हमें नहीं लगता देश में चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग की कैसी भूमिका होनी चाहिए? बताइए, निष्पक्ष होनी चाहिए। जैसे कि हम, अगर जनता अगर सवाल उठाते हैं चुनाव आयोग पर, तो उसे वो क्लियरेंस देना चाहिए। देखिए, बीजेपी की जब भी नेता की बात आती है तो मीनाक्षी नेगी लेखी, सॉरी मीना, माफ कीजिएगा, मीनाक्षी लेखी, और बीजेपी की नेता है, और वो जो भाग रही थी दौड़ के, जो दौड़ के भाग रही थी, तो ये जब मेरे को तो लगा था कि अभी आप बता रहे हैं तो मुझे लगा, नहीं तो मुझे तो धावक लग रही थी। हाँ, धावक लग रही थी। हाँ, अच्छा। और जब स्मृति ईरानी की बात आई तो वो भी पत्रकार को ही डांटते हुए कह रही, तो कहीं ना, अरे यार आप बात नहीं समझ रही हैं, एक बार राहुल गांधी को हरा दिया इन्होंने तो सोच रही हैं कि मैंने पूरा जो है दुनिया पलट रखी है। और ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी 24 के चुनाव में वो राहुल गांधी छोड़ दो, किसी भी, मैं उनको हरा सकता हूँ, क्योंकि ये स्थिति है इन लोगों की समाज में। तो राहुल गांधी आपको क्या लग रहे हैं? राहुल गांधी आपके नज़र में, कलीम सेब की नज़र में क्या है?
क्या है, नेता है? नेता और तो है ही, मतलब किस तरह, जैसे उनको पप्पू कहा जाता है। मेरे को नहीं लगता वो पप्पू है। जैसे अभी विदेश में कह रहे हैं कि यहाँ की खिल्लियाँ उड़ाई जा रही हैं, भारत का खिल्ली उड़ा रहे हैं किस बात पे, कि देश प्रधानमंत्री को लेके बोल देते हैं कभी। तो प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल करना क्या देश के खिलाफ बोलना हो गया? कब से हो गया? प्रधानमंत्री से हम सवाल नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? प्रधानमंत्री हमारे हैं ना, मेरे प्रधानमंत्री हैं, और विपक्ष तो सत्ता से ही तो सवाल करता है। तो वो विपक्ष जो है अपना रोल अदा कर रहा है। तो क्या होता है कि जब ये होता है ना कि जब बीवी छोड़ना होता है तो वो लोग कहते नहीं है दाल में पानी डाल दी, साग में पानी डाल दी, वो यार विपक्ष और सत्ता का है। बहुत ही निजी जवाब है इनका, लेकिन वो लोग सतर्क हो जाइए जो बीवियां अगर इस चैनल को देख रही हैं, तो वो लोग मतलब आपके कहने का मतलब है जो लोग अपनी बीवी छोड़ना चाहते हैं वो कहते हैं ये मतलब काम में खामी निकालते हैं। ये आप कंट्रोवर्सी बना रही हैं, ये हमारे समाज में कहावत बोलते हैं। लेकिन ऐसा होता है निजी जिंदगी में? ना, करते हैं ऐसा नहीं, ये कहावत बोलते हैं। अच्छा, कहावत कहते हैं। मुझे तो लगता है कि सच में ऐसा अपनाया जा रहा है लोगों। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। महिला देखिए, महिला हम तो चाह ही रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी हो। सुनिए कलीम शेख जी, आपको जातिवाद पे क्या लगता है? जातिवाद है, और जिस तरीके से हम तो बार बार कहते हैं कि ये जो जाति धर्म में फंसा करके वो सत्ता जो है हमें बेवकूफ बना रही है। तो इसमें तो मैं गाने भी लिखा था, कई बार बोला। मैं कुछ और जाति की बात करी हूँ, जैसे कि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए लोकतंत्र है और लोग सवाल पूछते हैं, उठाते हैं। निर्भया का कांड हुआ था, वो उनका कैटेगरी अलग था, तो उनको करोड़ों के फंड मिले थे आर्थिक मतलब मदद के रूप में। अरे यार, वो बात नहीं, निर्भया के टाइम पर सरकार तो समझदार थी, संवेदनशील थी, जनता के प्रति सरकार है। साक्षी गौतम दलित परिवार से आती हैं, और उनको लेके केजरीवाल ने, तमाम सरकारों ने बोला हम फंड देंगे, लेकिन एक रुपया ग्राउंड पे जब उनके पिता से जब हमने बात की, हम लोग गए थे साबा डेरी, तो जब उनके पिता से बात हुई तो उन्होंने कहा हमारे पास एक रुपये नहीं आया। वो बात तो चंद्रशेखर रावण ने भी उठाया है। तो क्या लगता है इन तमाम चीजों पे सिर्फ कहने के लिए वोट की राजनीति कर रहे हैं लोग महिलाओं को लेके? यही तो लग रहा है, वोट की राजनीति हो रही है और क्या। क्योंकि देखिए, जनता का मुद्दा मैं बार बार कह रहा हूँ, हम जनता का जो मुद्दा है वो गटर में नाले के गैस में सांस ले रहा है। गैस तो निकल नहीं रहा है उस पाइप से, लेकिन हम मतलब जनता का जो मुद्दा है वो वेंटिलेटर पे है। केजरीवाल ने आज रैली की रामलीला मैदान में, और वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आए थे, सड़कें भरी हुई थी, हजारों की। मैं केजरीवाल का समर्थक नहीं हूँ, मैं मानता है। किसके समर्थक? मैं किसी का नहीं हूँ। पूछता है भारत जो पूछता था उस पर तो थूकता है भारत, उसका छोड़ दीजिए, हम वो सब समझते ही नहीं है। हम जो पूछते हैं, हम सत्ता से पूछते हैं। तो वो तो छोड़िए, आप किसके समर्थक हैं वो तो बताइए। हम किसी के समर्थक नहीं है, वही तो होगा। हम जनता हैं, हमें जिसका काम अच्छा लगता है, हम मोब है। नहीं, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल को प्रधानमंत्री। हाँ, हम तो एक मोब है, जनता है। जब र्यूमर पर हम बढ़ जाते हैं और र्यूमर पर वोट देने चले जाते हैं, और हम ही जनता है जो अपना वोटर आईडी और आधार कार्ड लेकर के सर से लेके पसीने तक में डूब जाते हैं, धूप में खड़े रहते हैं वोट देने के लिए, और वोट के दिन पुलिस की लाठियां भी खाते हैं, फिर भी हमारे अंदर वो जज्बा रहता है कि सरकार चुनना है, बेहतर सरकार चुनना है, ताकि हमारे भविष्य, हमारे बच्चों के आने वाले भविष्य पर सरकार काम करेंगी। लेकिन जब हम वो सरकार कोई भी चुन कर लाते हैं तो हम अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। लेकिन लोग आज कह रहे थे कि हमने सबसे बात की ग्राउंड पे, तो सब कह रहे थे केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि वो 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं। ना, ये लोग जो है ना, जो फ्री वाली बात करते हैं, मैं इस पर समर्थन नहीं करता। ये लोग हमें ना बेवकूफ़ बनाते हैं। हमें तुम 5 किलो अनाज फ्री देते हो, कोई बोलता हम 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं। अबे तुम हमें रोजगार दो ना, हम फ्री का राजनीति नहीं चाहते हैं। हमको रोजगार दो, हमें इतना सक्षम बनाओ कि 200 यूनिट बिजली का फ्री जो हमें नहीं चाहिए, 200 यूनिट का हम पैसा भर सकते हैं। हाँ, तुम्हें हम, लेकिन तुम हमें क्या करना चाहते हो? बिजली सरकार के भरोसे फ्री मिलेगा, अनाज सरकार के भरोसे फ्री मिलेगा, तो मतलब हमें बंधुआ वोटर बनाना चाहते हैं। बंधुआ वोटर,
जो कि जीने को ही विकास समझे। तो विकास क्या है, जीने को विकास नहीं है तो क्या विकास है? जीन आज 5 किलो अनाज का मतलब यही हुआ, हम जीने को विकास समझ रहे हैं। सही कहा। हम तो चाहते हैं कि हमारे शिक्षा रोजगार पर बात करो, जब हम सक्षम होंगे तो हम 5 किलो क्या, हमारा बाजू वाला अगर परेशान होगा तो 50 किलो राशन दे देंगे, हम अपने आप ही संभाल लेंगे समाज को। आपके हिसाब से जो सत्ता में अभी हैं लोग, उनको क्या ऐसा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सबसे अहम चीज़ है, क्या करनी चाहिए ग्राउंड पे? ग्राउंड पर उनको देखिए, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, ये दोनों सेक्टर पर उन्हें काम करना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना चाहिए। और जो मीडिया, जो दलाल मीडिया है, मैं दलाल कह रहा हूँ, कि जो बता रही है कि हम युवाओं में स्किल नहीं है, हम रोज़गार के लायक नहीं हैं, उनको ये बताइए कि हमारे गांव-गांव में घूम करके युवाओं के पास जो स्किल है उसे कलेक्ट करें। आपको खुद पता है कि हमारे गांव में इतना स्किल है कि जुगाड़ से साइकिल को हेलीकॉप्टर बना दे रहे हैं। हाँ, जो ये खड़ी पड़ी हुई बेकार कार को उसमें पंख लगा करके जुगाड़ से कुछ भी बना देते हैं। तो ये स्किल ना कहेंगे तो क्या कहेंगे आप? इस तरह की वीडियो बहुत आती होंगी, आप भी देखती होंगी, तो ये इसे स्किल नहीं कहेंगे? तो सरकार तो खुद चाहती नहीं, चाहती है हमें बेरोजगारी भत्ता पर जिए और सरकार को हम वोट करें, बस ये सत्ता में मलाई खाएंगे, हमारे बच्चे के हाथ में पत्थर पकड़ाएंगे और उनके बच्चों के हाथ में किताब पकड़ाएंगे। सुनिए तो, ये जो नेता हैं ये हमारे बच्चों के, मतलब जनता के बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ाते हैं और अपने बच्चों के हाथ में किताबें पकड़ाते हैं कि जाओ विदेश तुम पढ़ के आओ, और हमारे बच्चों को बोलते तुम नारा लगाओ। तो जनता जो है धर्म के नाम पे बट भी तो रही है, बटना चाह रहे हैं ना, बट भी तो रही है जनता। ना ना, कहाँ बटी, कह रही है मैं राम मंदिर ये बताइए ना, 2014 में प्रधानमंत्री अगर धर्म के नाम का मुद्दा लेकर आते होते तो बीजेपी की जो सीट है ना, ये है ना 15% भी नहीं आई होती। क्या किस मुद्दे पर आए थे? 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, महिलाओं पर की सुरक्षा करूंगा, यही सब मुद्दे थे ना, अच्छे दिन लाऊंगा, भारत को पूरे विश्व गुरु बना दूंगा। आज क्या है, हम ये मुद्दा लेके आए थे और वो मुद्दा में फेल दिखे तो फिर वो पुलवामा के शहीदों के नाम पर प्रधानमंत्री वोट मांगे थे। प्रधानमंत्री का भाषण महाराष्ट्र में ही, हम महाराष्ट्र से आते हैं, हमें याद है, उन्होंने कहा था कि मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहूँगा कि क्या आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम पर नहीं मिल सकता है क्या? तो हम भावुकता में वोट दे दिए, अब नहीं देंगे ना, 2 बार हम बेवकूफ बने, 3री बार नहीं बनेंगे। अब ट्रेन का मामला जो हुआ तो अब तो वो दिख रहा है ना, तो ट्रेन के मामले में अभी तक 288 लोग मर चुके हैं ना, तो हम जनता देख रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है, तो कहीं कोई जिम्मेदारी लेना नहीं रहा है, कोई जिम्मेदार है भी तो नहीं। कुछ तो लोग कह रहे हैं कि ऐसा भी लोग होता है क्या, बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए कि हरी झंडी वही दिखा रहे थे। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, प्रधानमंत्री तो हर चीज काम वही कर रहे हैं, गटर की सफाई का भी उद्घाटन वही कर रहे हैं, ट्रेन को भी हरी झंडी वही दिखाते हैं, कहीं 2 किलोमीटर का रोड बन गया तो रोड को भी वही हरी झंडी दिखाते हैं, फ्लाईओवर बन गया तो, सुनिए तो, फ्लाईओवर बन गया तो हरी झंडी वही दिखाते हैं। तो कहने का मतलब है, सड़क परिवहन मंत्री हो या कोई विकास पालक मंत्री हो चाहे रेल मंत्री हो, ये लोग का कहीं कोई रोल नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा है। तो यहाँ प्रधानमंत्री, अब लोकतंत्र कहाँ रह गया, प्रधानमंत्री तो राजा का रोल निभा रहा है। तो क्या लगता है जब सत्ता परिवर्तन होगा, जो चीज आप बोल रहे हैं, जनता की सरकार आएगी तो क्या उसमें मीडिया, जो जिस मीडिया पे आजाद हो जाएगी, आजाद होना चाहेगी कि तभी भी आजाद हो जाएगी? नहीं, जो नेशनल टेलीविजन है, जो नेशनल मीडिया है, वो तो हमेशा बीजेपी को ही दिखाएगी बाद में भी। आपको क्या लगता है, दिखाएगी या आजाद हो जाएगी? आजाद हो जाएगी, हो जाएगी। हाँ। आजाद इसलिए भी हो जाएगी क्योंकि हम जनता भी इसे ढूंढ रहे हैं, इन गुलामों को। तो आपको लग रहा है कि वो बंधे हुए हैं या जानबूझ के कर वो गुलाम बन गए हैं? गुलाम बन गए। अभी देखा नहीं आपने? हाँ। एक वो डीएनए करता था, डीएनए करते करते उसका खुद का डीएनए खराब हो गया, तो आज तक मैं भाग के आया। फिर वहाँ पर अभी बोल रहा है कि ये सहारनपुर या कहाँ पर बुलंदशहर में कुछ मूर्तियाँ खंडित हुई, तो बोलता है कि धर्म से किसी और विशेष समुदाय से जोड़ रहा था, बाद में वो निकल के मामला आया तो अफवाह फैला रहा था। तो इस तरह के अगर एंकरों को हम क्या कहें?
हम जनता है क्या? मतलब एक मंदिर का घंटा है, मीडिया अलग से बजा रही है, सत्ता अलग से बजा रहा है, विपक्ष अलग से बजा रहा है, प्रशासन अलग से बजा रहा है, हम तो यार मंदिर का घंटा है जनता। आपके हिसाब से निष्पक्ष पत्रकार जो अभी चेहरा है उसमें कौन है सबसे ज्यादा? रवीश कुमार हुए, बहुत निष्पक्षता में तो नाम गिनते थक जाओगे आप, लेकिन बेचारे उन पर भी तो सहमति आती है, कभी अभिषार शर्मा पर आती है, कभी पुण्य प्रसून वाजपेयी पर आती है, कभी रवीश कुमार पर आती है, जबकि ये नहीं है, ये लोग भी हिंदू हैं, पर ये लोग सच्चाई दिखा रहे हैं तो उन्हें आप टारगेटिंग कर रहे हो। हाँ, सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सिख ईसाई का नहीं है, सवाल सच के साथ कौन है और झूठ के साथ कौन है। हमारा मीडिया 135 या 141 नंबर पे आ गया, सॉरी माफ, 161वें रैंक पर, 161वें नंबर पे आ चुका है, और कहता है देश का नंबर वन चैनल आपको रखे आगे, और कहाँ रह रहा है? 161वें नंबर पर। तो ये आपको सोचना पड़ेगा ना, बताइए आपको रखे आगे, अब पाप को रखे आगे कर रहा है, पाप को आगे रख सरकार रहा है। का पाप आगे रख रहा है, हमारा जनता का जो है, हमारा जो जनता का मुद्दा है, अगर जो हम जनता को नहीं दिखाएगा हम जनता क्या कहेंगे, बताइए आप, हमारी रोजी रोटी समस्या है नहीं है, आप सरकारें बोलती हैं हम गरीबी खत्म कर देंगे, यहाँ तो गरीबों को खत्म किया जा रहा है, तो हम क्या कहें? कलीम शेख से एक बहुत ही पर्सनल सवाल कि कहते हैं हम किसी नेता किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन आपकी वीडियोस को कांग्रेस पार्टी ने अपने चैनल पे लगाया INC पे, इसके लिए क्या कहेंगे? अब अंदर से तो कुछ ना कुछ, एक बात बताइए मेरी वीडियोस बहुत सारे यूट्यूबर्स भी लगाते हैं, आप ही लोगों से लेकर तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है इशारा दे रहे हैं कि कलीम शेख जी हमारे पार्टी में आ जाइए, आप पहले से हैं? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि नेता अगर ना लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता, और मैं सोन चिड़ैयन की बगियन में बिस्तर डाल के लेता होता, क्योंकि हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता, तो अगर वो सोने की चिड़िया की को लूटा जा रहा है तो हम जनता को दर्द है इस बात का। विपक्ष से भी आपको शिकायत है? विपक्ष को क्यों नहीं है, विपक्ष का जो नेता विपक्ष होता है वो भी एक प्राइम मिनिस्टर से कम मतलब ताकत नहीं रखता है, फिर प्राइम मिनिस्टर कैसे आज हम पर हावी है? अच्छा एक बात बताइए करीम शेख जी, राहुल गांधी ने अभी विदेश में कहा था कि जो पहले दलितों की स्थिति थी वो आज मुसलमानों की स्थिति है, इस पे आप क्या कहेंगे? वो राहुल गांधी से पूछिए जाके, नहीं आपको क्या लगता है? नहीं, सही, मैं राहुल गांधी का समर्थक तो हूँ नहीं, नहीं उसके देखिए समर्थक की बात नहीं कर रही हूँ, उन्होंने कहा कि दलितों की, मैं अभी क्या कहा, मैं हूँ जनता, ना हिंदू हूँ ना मुस्लिम हूँ ना सिख हूँ ना ईसाई हूँ, क्योंकि बैंड तो सबकी बजी है, कोई ये नहीं बोल सकता है कि मैं खुशहाल हूँ, तो यहाँ तो सबका साथ सबका विकास नजर आ रहा है ना, तो जिसके लिए राम मंदिर बनाया वो तो खुश है ना? हाँ, किसके लिए बनाया? बनाया जो लोग हैं, अभी मंदिर जाते हैं। आप खुद ये यहाँ पकड़ी गई है, ये मुझे दीजिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसके लिए हम किसके लिए बनाया? जो जनता हिंदू धर्म देखिए ना, ना जो धर्म के नाम पे बांट रही है, धर्म के नाम पर आप बांट रही हो, इसलिए मुझे दीजिए आप, मैं बांट रही हूँ, नहीं धर्म का यहाँ सवाल ही नहीं, जो हम मंदिर मस्जिद की राजनीति चाहते ही नहीं है, वही तो हो रहा है ना, हम नहीं चाहते, अभी कह रहे हैं लोगों से अगर आप पूछेंगे, ये सरकार जो है ना झोला छाप डॉक्टर है, हाँ हम जनता आके बता रहे हैं कि माय बाप मेरे को दर्द यहाँ है, तो ऑपरेशन यहाँ कर दे रही है, अरे तो आप जनता से अगर जाके हम पूछेंगे तो जनता यही कहती है हमारा धर्म बच गया, लव जिहाद खत्म हो गया, हिंदू धर्म बच। अच्छा आपका नाम क्या है? शिखा सिंह। आप क्या हिंदू है मुस्लिम है? हिंदू। आपका धर्म खतरे में? ना मेरा तो नहीं है। मेरा भी नहीं है, तो खतरे में किसका उन्हें पकड़ कर आप लाइए? कह रहे लव जिहाद करते हैं मुसलमान तो अब अच्छा है। अच्छा अभी लव जिहाद क्या होता है जी? तो टीवी चैनलों पे तो वो तो मूर्ख बना रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में देखे ना मीरा रोड में कुकर में पका दिया, तो ये जो उन्मादी लोग हैं ना ये हर धर्म में मिलेंगे आपको, अब मैं हम जो समाज है हम जनता है हम चाहते हैं इस टाइप के लोग हमारे समाज में ना रहें, तो सरकार तुरंत उसे पकड़ करके उसे अंदर डाले और फांसी दे दे ऐसे लोगों को, और ये सारे रिकॉर्ड सरकार के पास सिस्टम के पास रहती है। जो लोग कलीम शेख जी जो लोग राम मंदिर के नाम पे खुश हो रहे हैं उनसे आप क्या कहेंगे? आप खुश होने, मैं क्यों खुश होंगी? खुद ही मीडिया खुश हो रहा है मैं खुद ही मीडिया
तो आप कौन सी मीडिया, हमें क्या पता। नहीं तो जो लोग खुश हम लोग ग्राउंड पे जाते थे हमें पता चलता है। मैं पूछती आप ग्राउंड पर है ना, कितना खुश यही देखने के लिए जनता भी ग्राउंड पर है। कि कौन ग्राउंड पर है इसलिए हम जनता राउंड पर है। तो मंदिर से खुश हैं लोग, कह रहे हैं कि मंदिर से कुछ आएगी तो 2000 खुश नहीं है 2045 में तक मोदी जी ही रहेंगे। ये कौन कहा आपने? सब कहते कह रहे हैं हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी कहते हुए घर घर बेरोजगारी पहुंचा दी है। हाँ तो आखिरी आप अपने मन से कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? हाँ मीडिया से कहना चाहूंगा। हाँ बोलिए। हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालो। हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, जख्म बेरोजगारी के खाए हुए हैं। दगाबाज हो तुम ये हम जानते हैं, तुम्हारी मकारी को पहचानते हैं। हमारी तरफ से ये कैमरे हटा लो, हमारी तरफ से ये कैमरे हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालो। हम जनता ये कह रहे हैं कि हमें जिंदा रहने दो, सुकून से रहने दो, और तुम्हारा स्टोरी, तुम्हारा जो कहानी, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी कहानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से ये कैमरे हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालो। तो हमें जो है ना जनता को सुकून से रहने दो, और हमें हमारे बीवी बच्चों में रहने दो, हमें रोजगार दे दो, और हमें शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर बात करो, नहीं तो तुम पर पूछता है भारत, नहीं तुम पर थूकता है भारत। बहुत नाराज़ हैं कलीम सिंह जी, हालांकि इन्होंने लगातार सवाल किए हैं सरकार से, लेकिन आपको डर नहीं लगता इतना सवाल करने, किसी दिन जेल में मिलेंगे? हम चाहते ही हैं। हाँ। हम ये देखने निकले हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है या नहीं है, तो हम चाह रहे हैं हमें जेल में डाल दे, उस दिन हमें तो समझ में आवे लोकतंत्र। विपक्ष तो कह रही है लोकतंत्र खत्म है। हम विपक्ष का नहीं सुनते हैं ना, हम कोई पार्टी से तो है नहीं। तक आपको लग रहा है कि लोकतंत्र है? अभी तक तो लग रहा है नहीं, लग रहा है नहीं, अभी हम तो ढूंढ रहे हैं, अभी ढूंढ रहे हैं लोकतंत्र को, ढूंढ रहे हैं लोकतंत्र। अच्छा चलिए, हमारे साथ थे कलीम सिंह, इन्होंने लगातार हमने बहुत काफी समय से, ये आपने जेल की बात कही, कैसे कही आप, मतलब डर, आप ही तो डरा रही हो हमें। हम क्यों डराएंगे, क्यों डरा रही हो? नहीं आप, हम जनता को आप लोग डराए हो। आज हम जनता में भी ये बात आ रही है कि बोलो मत, बोलो मत, अरे प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल दिए, जेल चले जाओगे, ये आप क्यों भड़का रहे हो हमें? अभी अनुराग ओझा को जाओ, अनुराग ओझा जो गए उससे हमको क्या लेना? वो भी जेल में थे। वो कौन है भाई? वो भी बोलते थे सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो हर एक्टिविस्ट बोल रहा है अपने हिसाब से, तो उसको जेल में, वो जेल में। अब वो कुछ गलत बोला हो तो जा सकता है। हाँ गलत नहीं बोला, बस यही योगी मोदी पे बोल रहा था क्या है? हम उस पर नहीं जाते, हम अपने मुद्दों पर बात कर रहे हैं, ठीक है? और सब क्या अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, कौन क्या बोलता है, लोकतंत्र है, ठीक है ना? पर मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि हमारा रोजगार तो भड़क गया है कलीम से। नहीं आप क्यों भड़काते हो, हम ये पूछने आए हैं कि हमारा रोजगार कहाँ है। 2 करोड़ में आज 9 करोड़ की तुम 9 करोड़ बेमिसाल मना रहे हो ना, तो 9 साल में 18 करोड़ रोजगार कहाँ है? तुम हमको बेरोजगार बनाकर बेमिसाल बता रहे हो हमें। हाँ हमें भूखमरी पर वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 107वें रैंक पर ला करके इसका जश्न मना रहे हो आप। हाँ प्रेस फ्रीडम में आप 161वें नंबर पर आ रही हो, आप लोगों को शर्म नहीं आता? हम तो यूट्यूब वाले, आप पता नहीं आप कौन से? हम तो यूट्यूब वाले, हमें तो नहीं पता, हम सोशल मीडिया वाले, हम ये तो नहीं पता, हमें कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं देता। हम तो जनता है यार, हम कैसे जज करें? सब तो बोलता है हम जनता दीपक हैं। अरे कलीम शेख जी सुनिए, सुनिए आपको हमारी जनता बहुत प्यार करती है, आपको विधायक बनाएगी। हम जनता जो है एक दीपक है, और हम आप हमारे साथ आते हो और बोलते हो हम दीपक के साथ हैं, और जाकर पीछे से हवा के साथ मिल जाते हो आप ही लोग और हमारा दीपक बुझाते हो, तो हम किस क्यों कैसे जस्टिफाई करें कि
कौन अपना आप है? अगर चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको जनता कमेंट में विधायक बनाने की बात कह रही है, आपसे क्यूआर कोड और आपका अकाउंट नंबर तक मांगती है, इतना प्यार करती है जनता, और आप कह रहे हैं तो मैं देखिए ना मैं क्या हूँ? आप क्या है? आप आवाज उठाने वाले? ना ना मैं तो सोशल एक्टिविस्ट भी नहीं हूँ। अब आप वही है, ना मेरा कोई एनजीओ है, ना मेरा कोई संस्था है। हो जाएगा सब? नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि हम जनता है। एक मिडिल क्लास क्या चाहता है कि वो अपना तो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते कली में। एक मिडिल क्लास ये चाहता है कि वो 8 घंटे की नौकरी करे, शाम को घर पर आए, अपने बीवी बच्चों के साथ थोड़ा मस्ती करे, खा पी करके सोए, और वीकेंड पर सैटरडे संडे अपनी फैमिली को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाए, कहीं चाट खिलाए। यही तो हम जनता चाहते हैं। ये हमें क्यों? ये जनता चाह रही है प्रधानमंत्री बने कलीम से। ना ना प्रधानमंत्री आप बनाइएगा भी नहीं, नहीं तो शामत आपकी आने वाली। अगर मैं बन गया तो मीडिया का शामत? हाँ हाँ हाँ, डरा रहे हैं? डरा नहीं रहा हूँ, आजाद करा दूँ। हम तो चाहेंगे हमारी शामत आए। हाँ। कलीम शेख जी प्रधानमंत्री बनेंगे अगले। और हमने तमाम सवाल किए इनसे, इन्होंने तमाम सवाल के जवाब दिए, और आपको हमारी बातचीत कैसी लगी? इन्होंने कहा कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।